तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देख सकते हैं पूरा फुल HDR फोटो एडिटिंग लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आप फोटो को शेयर करते हैं। पहले हम ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले अपने फोटो को हम इंपोर्ट कर चुके हैं कहाँ पे, तो ऑटोटेक स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से करना क्या है हमको, यहाँ पे ये लेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, को ये लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन दिखाएगा, प्लस पे टैप कर लेना है इधर एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना है। यहाँ से ये वाला लाइव लर्निंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एंड लाइव लर्निंग पे क्लिक करना है हमको। स्क्रॉल करके हमको ये वाला ब्रश ले लेना है एंड इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में जाते हैं एंड इसको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से इसको बैक कर देते हैं हम। यहाँ से फिर से हमको लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद लेयर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर क्लिक करके यहाँ से देख रहे होंगे नॉर्मल पे होगा। तो यहाँ से ये वाला सॉफ्ट लाइट ऑप्शन दिखाई देता है एंड सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से बैक आते हैं तो फिर से हमको करना क्या है, तो यहाँ से ये वाला ये छोटा वाला बिंदु दिखाई होगा एंड छोटा बिंदु पे क्लिक करके इसको पूरा हम लोग आपको रेड वाइट है एकदम पूरा वाइट कर एंड अपने यहाँ से बैक आने हैं एंड अपने फेस के ऊपर कुछ हल्को अथवा अप्लाई कर लेते हैं ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं इधर इधर कुछ ऐसे देख सकते इधर उधर हो रहा है उधर एंड इस तरफ से आप लोग भी कर लीजिए। तो सो फाइनली गाइस देख सकते हैं अभी तो हम लोग का फोटो एकदम बेकार दिख रहा होगा, तो सिंपली हमको कुछ करना कुछ भी नहीं है। तब हमको आप यहां से इस फोटो को इंपोर्ट करना है कहां पे, तो ये दिखाई दे रहा है 3 डॉट के पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, यहां से इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो सो इतना सब हो जाने के बाद हमको करना क्या था, फिर से हमको यहाँ से क्लिक करना है कहाँ पे, तो यहाँ पे इस कोने में दिखाई देगा इस पे क्लिक करना है एंड हमको शेयर पे क्लिक कर देना है। इस फोटो का डायरेक्ट शेयर करेंगे कहाँ पे, तो ये दिखाई दे रहा होगा ये इधर स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाओ, इसको सेलेक्ट करके अपने एंड आई के पास में लगा देना जहाँ ब्लैक होगा आप लोग का, इधर यहाँ पर लगा कर ब्राइटनेस बढ़ा देना है। इधर देख सकते हैं आ चुका है हमारा लुक एकदम उसी तरफ जैसे पहले था। इधर इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके इसको इधर लगा देना है एंड फिर से एक बार सेलेक्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके इधर हमको यहाँ से इधर लगा के इसको ब्राइटनेस बढ़ा देना है। देख सकते हैं कुछ हम लोग फोटो का लुक, फिर से कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन दिखा रहा है, टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से ये ट्यूनिंग इमेज वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ट्यूनिंग इमेज पर क्लिक करना है। इसकी एमएनएम को कुछ बढ़ाना है, इसकी शार्पनेस को बढ़ा लेना है एंड इसको कम कर लेना है पूरा हमको, तो यहाँ से डन कर देना है। तो इतना सब हो जाने के बाद हमको फिर से करना क्या है, तो यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन दिखाया है एंड शेयर पे क्लिक कर लेते हैं एंड शेयर पे क्लिक करने में लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को इंपोर्ट कर देते हैं। फिर से इधर देख सकते हैं आ चुके हैं हम अपने, इधर लाइट रूम एप्लीकेशन आ गया है हमारा। इधर देख सकते हैं आ चुके अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से फिर से हमको करना क्या है, तो यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन दिखाई देगा एंड लाइट पे क्लिक करना है, इसको इसकी स्ट्रक्चर को कुछ बढ़ा लेना है एंड इसकी क्लियरिटी को भी बढ़ा लेना है एंड हाईलाइट्स को कम करना है एंड शार्पनेस को कुछ बढ़ा लेना है एंड वाइट एंड ब्लैक को कम कर लेना है। इतना सब हो जाने के बाद हमको यहाँ से फिर से एक कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड कलर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से मैक्स पर क्लिक करके इसकी हमको सेकेंड कलर को इसको इधर करना है एंड इसको इधर देख सकते वोट पे लीप लग रहा है। इधर हमको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके सैचुरेशन कम कर देना है एंड लुमिनेंस को भी एंड लुमिनेंस को बढ़ा लेना है एंड इसकी ह्यू को भी बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन एंड लुमिनेंस को बढ़ा लेना है एंड इसको भी बढ़ा लेना है एंड फिर से हमको करना क्या है, तो यहाँ से वाला फर्स्ट कलर दिखाई देगा एंड फर्स्ट पर क्लिक करते हैं, इसको कुछ इधर कर लेंगे, सैचुरेशन को कम करके एंड लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे। इतना सब हो जाने के बाद हमको फिर से ये वाला ऑप्शन दिखाएगा ब्लू कलर का सैचुरेशन कम करना है एंड लुमिनेंस को भी बढ़ा लेना है।
एंड फिर से हमको करना क्या है, इस पर क्लिक कर लेना है एंड इस पर क्लिक करके हमको इसकी ह्यू को कम करना है एंड इसकी ह्यू कम कर लेते हैं एंड सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ से करते क्या है, तो यहाँ से अब फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं कहाँ पे, तो ऑटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोटो को इम्पोर्ट करते हैं फिर से। तो देख सकते हैं, आ चुके अपने ऑटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो करते हैं क्या है, तो फिर से हमको यहाँ से लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखाएगा, लाइब्रेरिंग पर क्लिक करना है, हमको यही ब्रश लेना है फिर से, तो यहाँ से इसकी सेटिंग में जाना है, इस पर क्लिक करना है, इसको हमको सॉरी गाइस इधर नहीं, इधर इस पर हमको क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से स्मूथ पर सॉरी गाइस एंड हमको फिर से यहाँ से एक लेयर बना लेना है एंड यहाँ से एक लेयर बना लेने के बाद लेयर पर क्लिक करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करते हैं, इधर किस पे कर लेते हैं, हमको यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एंड ये वाला लाइन वाला, लाइन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ हम लोग का फेस कितना वाइट सा स्मूथ हो रहा है, इधर देख सकते हैं इधर कितना मस्त हो रहा है हम लोग का फेस। तो ऐसे ही आप लोग भी यहाँ से लेयर पर क्लिक करते हैं, फिर से इसकी कम लेयर को कम कर लेते हैं कुछ इधर, इतना सब हो जाने के बाद हमको करते क्या है, इधर कर लेते हैं, देख सकते हैं इधर हम लोग का फेस। सो फाइनली का ज़्यादा आप लोग भी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा रहे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेके ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।